एसिड बेस एंड साल्ट। हम लोग लास्ट क्लास में फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन देखे थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आज का नया टॉपिक है आपको एसिड बेस एंड साल्ट। है ना, एसिड बेस और साल्ट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम में जानते हैं। हालांकि एसिड बेस का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करेंगे, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको यहाँ देखें, फिजिकली यानी फिजिकल केमिस्ट्री में इसको आप देखें क्या है। तो देखिए, एसिड जो है, एसिड क्या है, इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने समय में अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना। और हर डेफिनेशन अपने जगह पे सही है, कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं है, लेकिन अधूरा है, मतलब वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं दे पाए। इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट एसिड और बेस के बारे में हम लोग जानते हैं। उनमें से पहला हम लोग देख रहे हैं आरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जो 1887 में दिया गया था। तो यहाँ देखें हम लोग आरहेनियस हेडिंग दे दे आपको, पहला कॉन्सेप्ट है आरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जो 1887 में दिया गया था। आप यहां देखेंगे कि ये जो आरहेनियस का कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस के बारे में, ये कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट क्यों है, यानी ये कंप्लीट क्यों नहीं, तो इसको आप समझेंगे, डेफिनेशन से पता चल जाएगा कि ये इनकम्प्लीट क्यों है। इस कॉन्सेप्ट में कहा गया कि एसिड्स आर दोज विच कैन डोनेट प्रोटोन यानी H+ आयन इन वाटर, यानी यहां सॉल्वेंट डिफाइंड था, कोई अदर सॉल्वेंट यहां यूज नहीं किया गया। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात की गई और सिर्फ वैसे कंपाउंड्स की बात की गई जो प्रोटॉन को डोनेट करे, जो H+ को डोनेट करे, हाइड्रोजन आयन को जो डोनेट करे, उसको कहा गया एसिड। और जो OH- को डोनेट कर दे वाटर में, वो हो गया बेस। तो सॉल्वेंट यहाँ पर डिफाइंड था, इसका मतलब यहाँ हो गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिमिटेड क्यों रह गया, क्योंकि इसमें जनरल अदर किसी सॉल्वेंट को हम यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही हमको एसिड और बेस कैरेक्टर देखना है। पहली बात कि सॉल्वेंट यहाँ पर डिफाइंड है, अदर कोई सॉल्वेंट हम यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, यहाँ कहा गया आपको आरहेनियस के कॉन्सेप्ट में कि एसिड वही है जो H+ दे सकता हो, दैट मींस कि हम वैसे किसी अदर कंपाउंड को एसिड के रूप में डिफाइंड नहीं कर सकते हैं जिसके पास H+ आयन न हो। आरहेनियस के अनुसार किसी अदर कंपाउंड को हम एसिड के रूप में डिफाइंड नहीं कर सकते हैं जिसके पास H+ आयन न हो, या फिर जिसके पास OH- नहीं हो, ऐसे कंपाउंड को हम बेस के रूप में डिफाइंड नहीं कर सकते आरहेनियस के कॉन्सेप्ट से। इसलिए आरहेनियस का कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट रहा, लेकिन गलत नहीं है, स्टेटमेंट सही है। एसिड बेस का कॉन्सेप्ट जो दिया गया वो सही है, लेकिन लिमिटेड है, ये कॉन्सेप्ट ब्रॉडली आप यूज नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेड रेंज में कुछ कंपाउंड्स के लिए ही ये एप्लीकेबल है, और खास सॉल्वेंट ही यूज किया गया वाटर, इसलिए वाटर के लिए डिफाइंड है। तो ध्यान दें
कि आरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये 1887 का कॉन्सेप्ट है और इसमें कहा गया कि एसिड्स आर दोज व्हिच कैन डोनेट H+ ion in water, या कह सकते हैं in aqueous solution, H+ ion in water, या आप कह सकते हैं in aqueous solution, aqueous का मतलब होता है water, clear है, जो H+ ion डोनेट कर सकता हो एसिड, है ना। प्रोटोन या H+ ion एक ही टर्म है, H+ को ही प्रोटोन कहते हैं या इसको आप प्रोटियम आयन कहते हैं, प्रोटियम आयन। जैसे सपोज कर लेते हैं कि अगर एक कंपाउंड है HCl, ये एसिड है, ये आप डिफाइंड करेंगे इस बात को, क्योंकि ये डिजॉल्व होगा वाटर में, तो H+ एक्वस और प्लस Cl- एक्वस में टूट जाएगा, या इसी रिएक्शन को आप इस तरह लिख सकते हैं HCl और प्लस H2O, इस तरह से लिख सकते हैं। और रिवर्सेबल का साइन यहाँ पर इसलिए देते हैं क्योंकि आयन में टूटा है, तो आयन का फिर से आपस में रिकम्बाइन होने का नेचर होता है, इसलिए ये फिर से रिकम्बाइन हो जाए तो फिर ये बन जाएगा, इसलिए रिवर्सेबल का साइन देते हैं। एक सिंगल एरो दिखाने का मतलब है कि रिएक्शन ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, मतलब एक बार जो प्रोडक्ट बन गया फिर वो रिटर्न नहीं होगा, इसका मीनिंग ये होता है। लेकिन इस साइन का मीनिंग होता है कि ये जो टूटा है वाटर में तो ये बन सकता है और ये फिर रिकम्बाइन होकर के रिटर्न भी हो सकता है, ये फॉर्म कर सकता है, इसलिए ये साइन यूज करते हैं। इसमें इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे H2O है, यहाँ से H+ को रिसीव कर लिया, तो H2 को जब ये रिसीव कर लिया तो H3O+ हो जाएगा, क्योंकि H+ को रिसीव किया तो H3O+ का फॉर्मेशन और प्लस Cl- का फॉर्मेशन, है ना, इस तरह से फॉर्म करेगा। इसीलिए H3O+ ये ऑलरेडी एक्वस फॉर्म है, वाटर ही है, और ये भी क्या है, एक्वस है, वाटर ही है, वो अब वाटर में ही टूटा है ये आयन, और ये तो वाटर है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको प्रोटियम आयन कहते हैं और इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि हाइड्रो मतलब वाटर, है ना, और वाटर में के साथ H+ यानी प्रोटोन आया है, तो प्रोटोन आने का मतलब EM आया है, प्लस चार्ज की वजह से EM कहते हैं, तो हाइड्रो मीन्स वाटर और EM प्रोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन, तो H3O+ कहते हैं। इसका फॉर्म अगर ये H3O+ है, एक H+ को रिसीव किया, 2H+ को भी कर सकता है रिसीव, 3H+ को भी कर सकता है, 4 को भी कर सकता है, इस तरह से, यानी ये डिपेंड करेगा कि इसके पास कितना H है जिसको ये डोनेट कर रहा है। जैसे सपोज कर ले कि अगर H2S है और इसको हम वाटर में डिजॉल्व कर दें, है ना, तो ये जब टूटेगा तो यहाँ 2H है और दोनों H को वो रिसीव करेगा, तो यहाँ पे ये फॉर्म कर सकता है H4O+ और प्लस S-2 एक्वस, इस फॉर्म में ये टूट जाएगा H4O+। यहाँ पे देखिए 2H+ को रिसीव किया, तो 2H+ को रिसीव करने का मतलब प्लस 2, क्योंकि 2 प्रोटॉन वो रिसीव किया है, तो यहाँ पे क्या चार्ज हो जाएगा, 2+ और S-2 यहाँ बाहर हो गया। इस तरह से ये हम लिख सकते हैं, यानी किसी भी कंपाउंड का एसिड होना
ये बताता है कि उस कंपाउंड के पास H प्लस है, तभी हम कह सकते हैं कि ये आर्हेनियस के अनुसार एसिड है। और किसी कंपाउंड का बेस होना ये बताता है कि उस कंपाउंड के पास OH माइनस है, तभी हम आर्हेनियस के अनुसार उसको बेस कर सकते हैं। और सॉल्वेंट वाटर ही लिया जाएगा जिस वाटर में, जिस सॉल्वेंट में ये आइडेंटिफाई होगा कि कंपाउंड OH माइनस या कंपाउंड H प्लस दिया है ना। इस तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आर्हेनियस के अनुसार दिया गया, जो लिमिटेड है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है ये। फिर कह सकते हैं हम लोग कि बेसिस आर दोस विच कैन डोनेट OH माइनस आयन इन वाटर, या कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन, है ना, वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में। इस कंपाउंड को क्या कहेंगे हम लोग, बेस कहेंगे। ये आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अनुसार, जैसे सपोज कर लेते हैं कि NaOH अगर हम इसको वाटर में ब्रेक करें, वाटर में डिजॉल्व करें, तो Na प्लस एक्वस और प्लस OH माइनस एक्वस इस तरह से टूट जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NaOH, ये जो OH माइनस है इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। और अगर ऐसे लिखे इस रिएक्शन को, NaOH प्लस H2O और ये ब्रेक हो Na प्लस एक्वस और ये H2O यहाँ से OH को रिसीव कर लेगा, तो H2O में ऑलरेडी पहले से एक O है और एक O यहाँ से ऐड हो गया, तो O कितना हो गया, दो, और H दो पहले से और एक H यहाँ से रिसीव हो गया, तो कितना हो गया, तीन। इसलिए आप लिखेंगे H3O। अब देखिए H3O2, दो एक तीन H और O हो गया दो। अब OH पे चार्ज क्या है, एक माइनस, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, एक माइनस। इस तरह से लिख सकते H3O2 माइनस, ये भी एक्वस क्योंकि वाटर है उसमें, तो इस तरह से इसको लिख सकते H3O2 माइनस, और जब H प्लस को रिसीव किया तो H3O प्लस, इस तरह से लिखें। अब अगर मान लीजिए कि CaOH का होल टू और H2O यहाँ लिए, है ना, ये यहाँ पर इसको रिसीव किया, क्लियर है, तो ये Ca प्लस टू एक्वस। और अगर एक मॉलिक्यूल वाटर यहाँ से दो OH को रिसीव कर लिया, तो दो OH को रिसीव करने का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन दो एक तीन और H हो गया, दो और दो चार, तो क्या लिखेंगे, H4O3। और दो OH मतलब दो माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस टू एक्वस। इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी कंपाउंड का बेस होना ये बताता है कि वो कंपाउंड वाटर में OH माइनस आयन दे, लॉस करे, तभी वो बेस है। किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। लेकिन कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी एसिड बेस का हम लोग देखते हैं। अब जो देखते हैं हम लोग एसिड बेस के बारे में, ये समझ गए, तो इसमें कमी क्या रह गई, तो इसमें कमी रह गई कि हम वैसे कंपाउंड को एसिड नहीं बोल सकते जिसके पास H प्लस ना हो, या वैसे कंपाउंड को बेस नहीं कर सकते जिसके पास OH माइनस ना हो। ये दो बात यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया कि क्या हम वैसे कंपाउंड को एसिड बोलेंगे जिसके पास H प्लस नहीं है,
या किसी का ऐसे कंपाउंड को बेस बोलेंगे जिसके पास OH माइनस नहीं है। तो ये बात इस स्टेटमेंट से, इस कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं हुआ। अब आगे देखें, ये आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हम लोग थोड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस भी देखते हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट पर बेस्ड है। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर एसिड एंड बेस, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट इस पर बेस्ड है। तो यहां देखें, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज बेस्ड ऑन the value of dissociation constant है ना, Ka, Ka किसके लिए लिखते हैं, तो for acid, and Kb किसके लिए लिखते हैं, for बेस। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट इस पर डिपेंड करता है, इसके वैल्यू पर डिपेंड करता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka फॉर एसिड एंड Kb फॉर बेस। क्लियर है, Ka और Kb पर डिपेंड करता है। हर एसिड का और हर बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है, वैरी नहीं कर सकता, वो कांस्टेंट वैल्यू होता है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे काउंट करते हैं तो जरा देखें आप। जैसे सपोज कर लें कि अगर HA एक एसिड है, HA कोई कंपाउंड होगा, A यहाँ अननोन है, हम एसिड के बारे में अभी जो जानकारी लिए एक छोटे स्केल पे वो क्या लिए आरहेनियस के कंसेप्ट से, तो जो कंपाउंड H प्लस देता हो वो एसिड है, तो H है इसमें। अब A के जगह पर कोई बेस रेडिकल होना चाहिए, तो यहाँ बेस रेडिकल ये H प्लस है, ये सॉरी बेस रेडिकल H प्लस है, एसिड रेडिकल होना चाहिए A माइनस, तो A माइनस माइनस वाले को कहते हैं एसिड रेडिकल और प्लस वाले को कहते हैं बेस रेडिकल। तो H यहाँ प्लस फॉर्म है तो ये बेस रेडिकल हुआ, और A प्लस A माइनस है यहाँ तो एसिड रेडिकल हुआ। तो एसिड रेडिकल यहाँ अननोन है, कोई भी हो सकता है, नॉन मेटल या नॉन मेटल का ग्रुप है ना, कोई भी नॉन मेटल या नॉन मेटल का ग्रुप। अगर मेटल ले लेंगे तब तो फिर आयनिक कंपाउंड हो जाएगा वो, इसलिए यहाँ पे A माइनस के जगह पे यानी एसिड रेडिकल के जगह पे कोई भी नॉन मेटल या नॉन मेटल का कोई ग्रुप होगा, नहीं मालूम कौन है। यहाँ पे हम मान लिए एच ए एसिड है, एच है यहाँ पे, ये जब ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद क्या देगा, एच प्लस और ए माइनस। ये जब आयन में टूटा तो आयन में टूटने के बाद यानी अगर हम वाटर यहाँ पे लेते हैं जैसे सॉल्वेंट, तो H प्लस एक्वस और A माइनस एक्वस में ब्रेक हुआ। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, चूंकि ये एसिड है तो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है ये। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सबस्टांस अगर आप लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सबस्टांस अगर आप लेते हैं तो उसके सॉल्वेंट में टूटने का एक अपर लिमिट होगा ना, कि वो कहाँ तक ब्रेक होगा, कितना ब्रेक होगा, पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा या पार्शियली ब्रेक होगा, ये इसके कैरेक्टर पर, इसके नेचर पर डिपेंड करेगा ना। तो ये जितना टूटेगा इसके टूटने के अकॉर्डिंग ही ना H प्लस और A माइनस का मैग्नीट्यूड मेजर किया जाएगा।
अगर हम ये एक मोल लिए तो एक मोल में से इसका कुछ अमाउंट टूटा, तो जितना ये जितना ज्यादा से ज्यादा ब्रेक होगा इसके आयन का कंसंट्रेशन भी उतना ही ज्यादा से ज्यादा होगा, और ये जितना कम टूटेगा इसके आयन का कंसंट्रेशन भी उतना ही कम होगा। अब बात यहां पर है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ज्यादा टूटेगा, और जितना अधिक घुलेगा जितना अधिक टूटेगा, टूटने का मतलब घुलना वाटर में, तो ये जितना अधिक टूटेगा इसके आयन का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा होगा सॉल्यूशन में, और जितना कम टूटेगा तो आयन का मैग्नीट्यूड भी उतना ही कम होगा, यानी कंसंट्रेशन कम होगा। तो के ए जब लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार इस एसिड का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, डिसोसिएशन मतलब टूटना ब्रेक होना, और कांस्टेंट क्यों बोले क्योंकि ये एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड तक ही ब्रेक हो सकता है, फिक्स मैग्नीट्यूड तक ही ये ब्रेक हो सकता है, अनलिमिटेड अमाउंट इसका ब्रेक नहीं होगा, ऐसा अमाउंट इसका ब्रेक नहीं होगा जो अनडिफाइंड हो। तो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड तक ये ब्रेक होगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ आयंस को सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करेगा, यानी इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा फिक्स होगा, और जिस समय ये फिक्स मैग्नीट्यूड इस आयन का सॉल्यूशन में मेजर होगा उस समय सॉल्यूशन सेचुरेटेड कहलाएगा। सेचुरेटेड क्यों कहलाएगा, क्योंकि उसके बाद ना तो इसका कंसंट्रेशन चेंज होने जा रहा है ना ही इसका कंसंट्रेशन चेंज होने जा रहा है सॉल्यूशन, जो ये बन चुका वो फिक्स अमाउंट हो जाएगा, जो ये टूट चुका वो फिक्स अमाउंट हो जाएगा। अब उसके बाद ना तो इसका अमाउंट ब्रेक होने वाला है और ना ही इसका अमाउंट और बढ़ने वाला है, ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेट कहते हैं। तो सैचुरेटेड कंडीशन में ही प्रोड्यूस्ड आयन और अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट के बीच, अनडिसोसिएटेड का मतलब कि अगर ये कुछ अमाउंट बच गया जो डिसोसिएट नहीं हो पाया, और ये जो अमाउंट फॉर्म किया तो ये प्रोड्यूस्ड अमाउंट हुआ और ये अनडिसोसिएटेड अमाउंट हुआ, इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि अब इसकी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट हो गई, इसकी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट हो गई, अब वो चेंज नहीं होना है, और सेम रेट के साथ एक ही रेट के साथ इसका इसमें कन्वर्सन होना या इसका इसमें कन्वर्सन होना ये सेम रेट के साथ होने लगेगा, एक रेट के साथ होने लगेगा, जिस रेट के साथ ये इसमें कन्वर्ट होगा उसी रेट के साथ फिर ये इसमें कन्वर्ट होगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ इसके मैग्नीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, वो फिक्स वैल्यू है। अब यहाँ लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार के का वैल्यू जब हम काउंट करते हैं तो यहाँ लिखते हैं एच प्लस एक्वस और ए माइनस एक्वस। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस्ड हुआ है, जो फॉर्म किया है, उस प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का साइन है ये कंसंट्रेशन को बताता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस आयन बाई कंसंट्रेशन ऑफ एच ए, इसको कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड जितना ही छोटा होगा डिनोमिनेटर में, इससे यह स्पष्ट होता है कि इसका मैग्नीट्यूड उतना ही बड़ा है। इसका जितना ही छोटा होगा इसका मतलब ये उतना ही अधिक बना है, इसका छोटा होना ये बता रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा टूटा ब्रेक हुआ, और ये जितना अधिक ब्रेक होगा इसका बचा हुआ अमाउंट जो अंतिम में प्राप्त होगा आपको वो क्या होगा, उतना ही कम होगा, छोटा अमाउंट प्राप्त होगा बचेगा, और जो छोटा अमाउंट बचेगा इसका मतलब कि प्रोड्यूस्ड अमाउंट हाई है, तो इसका अमाउंट हाई है, और अगर न्यूमरेटर हाई है डिनोमिनेटर लो है तो ये हाई होगा, और अगर के का वैल्यू हाई है इसका मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली हम बेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अभी हम एक चीज यहां बता दें कि हायर इज द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर इज द एसिड अगर K का वैल्यू अधिक है
तो एसिड स्ट्रॉन्ग है। ये अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग के वैल्यू से ही एसिड के स्ट्रेंथ को डिसाइड कर लेते हैं कि के का वैल्यू जिसका सबसे अधिक हो इसका मतलब वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग है, जितना अधिक के का वैल्यू उतना ही अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है। अब अगर हम सिमिलरली केबी की बात कर लें, तो केबी की बात अगर हम लोग करते हैं तो बेस की बात कर रहे हैं, याद है कि बेस है BOH, BOH यहां पर बेस है। ये जब टूटता है तो B प्लस एक्वस वाटर में तोड़े गया, B प्लस एक्वस और प्लस OH माइनस एक्वस दिया। सिमिलरली के भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे के एक्सप्रेस किए, और सारा कॉन्सेप्ट यहां वही है जो अभी आप एसिड के बारे में कहे। तो अभी आप के भी कहेंगे, सिर्फ सिंबल यहां चेंज हो जाएगा, बेस के लिए के भी लिखना है तो आप लिखेंगे बी प्लस एक्वस और ओ एच माइनस एक्वस और बाई लिखेंगे बी ओ एच। अभी हम कहे आपसे कि इसका मैग्नीट्यूड जितना ही कम होगा इसका मतलब ये उतना ही अधिक टूट गया, और ये जितना अधिक टूटा इसके आयंस का कंसंट्रेशन उतना ही अधिक बढ़ा। डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बहुत अधिक बड़ा है, तो के भी बड़ा होगा। तो फिर इस संदर्भ में भी, इस रिस्पेक्ट में भी हम आपसे बात वही करेंगे जो अभी एसिड के बारे में कहे। क्या कहे कि हायर इज द वैल्यू ऑफ के भी, वहां के कहे यहाँ बेस के बारे में बात कर रहे हैं तो के भी कहेंगे हायर इज द वैल्यू ऑफ के भी स्ट्रॉन्गर इज द बेस। बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, क्लियर है। और जस्ट उल्टा बोल दें तो लोअर इज द वैल्यू ऑफ के और के भी, वीकर इज द एसिड और बेस। एसिड और बेस क्या होगा? वीक होगा। तो इस बात को भी यहाँ पे मेंशन हम कर दे रहे हैं, लेकिन एकदम जस्ट सिमिलर इसका उल्टा जो बोलेंगे वो वीक को बताएगा। तो यहाँ लिखें हम लोग सिमिलरली लोअर इज द वैल्यू ऑफ Ka and Kb weaker is the acid and base, है ना। K और Kb का वैल्यू अगर छोटा हो तो एसिड और बेस क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। अब हम थोड़ा यहां पे एक बात कह रहे हैं, इसको ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि एक एग्जाम्पल पहले आप देखें, एक एग्जाम्पल देखें यहाँ पे। जैसे सपोज कर लेते हैं कि H2SO4 एक एसिड है, एसिटिक एसिड भी एक एसिड है, और HCN भी एक एसिड है। अभी हम आपसे कह रहे हैं कि हर एसिड का, हर बेस का, हर साल्ट का डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू डेफिनेट होता है, फिक्स वैल्यू होता है, वो रटना नहीं है आपको। क्वेश्चन में लिखा रहता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, जब भी आपको यूज होगा तो उसका वैल्यू लिखा रहता है कि किस एसिड का क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट है। क्वेश्चन अगर आपको पूछना रहा के और के बी के वैल्यू पे, तो आपको वैल्यू लिख देगा, स्ट्रेंथ अरेंज करने के लिए कहेगा, बहुत आसान है। जिसका के बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका के भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका कम वो वीक एसिड, जिसका कम है वो वीक बेस, इस तरह से आप अरेंज करेंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस कॉन्सेप्ट का यूज होने लगा ज्यादा। हम यहाँ क्या कह रहे हैं उस बात को ध्यान दें, ये सब एसिड है क्योंकि इस सब के पास प्रोटोन है, एच प्लस है, और ये हर एक कंपाउंड H+ डोनेट कर सकता है, इसलिए ये सब एसिड है।
अब यहाँ देखें, जिस कॉन्सेप्ट की चर्चा हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड 100 होता है, ये डेफिनेट है। इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड 1.8 × 10⁻⁵ होता है और इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू 4 × 10⁻¹० होता है, ये डेफिनेट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। क्लियर है? इसमें हम आपसे कुछ भी नई बात नहीं कर रहे हैं, ये डेफिनेट है, ये कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, ये फिक्स वैल्यू है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो आप यहाँ अप्लाई करें कि जिसका के बड़ा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो के किसका बड़ा है? H2SO4 का, क्योंकि ये 10⁻⁵ के ऑर्डर में है, ये 10⁻⁻ के ऑर्डर में है, तो जो -10 के ऑर्डर में सबसे छोटा, -5 के ऑर्डर में इससे बड़ा, और यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है, ये 100 है, 10⁻², इसको लिख सकते हैं आप प्लस के ऑर्डर में, पॉजिटिव है पावर, तो सबसे बड़ा। इसका मतलब हो गया कि के ए जो यहाँ पे है H2SO4 का सबसे ज्यादा है, और उसके बाद CH3COH का, और उसके बाद HCl का। इस बेसिस पे आप कहते हैं कि H2SO4 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद ये तभी H2SO4 स्ट्रॉन्गेस्ट इन तीनों, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक। क्लियर है? इस तरह से आप कह सकते। हम यहाँ थोड़ा चेंज कर रहे हैं बात को, क्या कह रहे हैं कि अगर के का वैल्यू हमको मालूम है 100, हम इसको 10⁻²  लिख सकते, तो पी के ए का वैल्यू काउंट करते हैं। अब पी के ए क्या है, तो पी का ये जो पी है ये आप आगे पढ़ने वाले हैं, अभी हम हल्का बता दें आपको कि P का मतलब है निगेटिव लॉग। P का मतलब क्या है? निगेटिव लॉग। तो हम पी के ए को क्या लिख सकते हैं? निगेटिव लॉग के, ऐसा लिख सकते हैं। और के ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो H2SO4 के लिए तो आप लिखेंगे -log 10⁻²। और आप ये जान लें कि log x टू दी बेस 10, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 आगे आ जाएगा, और आप लिख सकते हैं इसको 2 log 10, निगेटिव माइनस तो है ही लगा हुआ इसमें। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो -2 हो गया, यानी पी के ए का वैल्यू क्या आ गया, -2। किसके लिए? H2SO4 के लिए। तो H2SO4 जिसके के ए का वैल्यू कितना था, 100 था, उसके पी के ए का वैल्यू क्या हो गया, -2 हो गया, ये ध्यान दें। फिर हम आते हैं इसके लिए, तो -log 1.8 × 10⁻⁵, इसको क्या लिख सकते हैं, -log 1.8 + 5, क्योंकि log x into y = log x + log y, ये लिखेंगे। तो यहां जब प्लस लिखेंगे तो ये -5 नीचे आ जाएगा, आगे तो -5 आएगा तो प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, तो -5 log 10 का वैल्यू 1, log 10 का वैल्यू 1, तो यहाँ हो गया -5 और ये माइनस से गुना हो जाएगा, तो -⁻+ log ये जो 8 ये 1.8 लिखेंगे, यानी log टेबल में जब आप वैल्यू देखेंगे 18 का 0, तो 18 का 0 देखेंगे वो लगभग लगता है 2525 के आसपास वैल्यू है, यानी इसको फाइनली आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 4.74 ये वैल्यू आएगा प्लस में। फिर देखें इसके लिए, तो लिखेंगे -log 4 × 10⁻¹० इसको क्या लिखेंगे, -log 4 + 10, और इसको लिखेंगे आप 4 को 2 log 2,
तो लिखेंगे माइनस टू लॉग टू प्लस टेन, और लॉग टू का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो लॉग टू का मैग्नीट्यूड हो गया 0.301। तो लॉग टू का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो आप लिखेंगे 2 × 0.301 प्लस 10, और ये माइनस में, इसको आप लिखेंगे 0.602 प्लस 10, ये माइनस में, घटा दें इसको 10 × 2 = 8, 9 × 9 = 36, यानी 9. इतना 398। अब आप देखें कि पी के ए का वैल्यू किसके लिए, पी के ए का वैल्यू H2SO4 के लिए कितना है, -2। H2SO4 के लिए कितना है, -2। पी के ए का वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए क्या है, CH3COOH के लिए क्या निकाले, 4.74। और फिर पी के ए का वैल्यू, पी के ए का वैल्यू HCN के लिए कितना निकाले, तो प्लस में 9.398 ये निकाले। अब बताइए पी के ए सबसे बड़ा किसका, तो 9.398, सबसे छोटा किसका, H2SO4 का, और के ए सबसे बड़ा किसका, तो H2SO4 का, सबसे छोटा किसका, तो HCN का, के ए का वैल्यू। तो अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट कर लेना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस एसिड का या जिस बेस का के ए के बी वैल्यू हाई होगा, हाई होगा, उसका पी के ए या पी के बी वैल्यू लो होगा, और जिसका के ए वैल्यू हाई होगा या जिसका के बी वैल्यू हाई होगा वही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो अगर कहीं क्वेश्चन में के ए का वैल्यू नहीं लिखकर पी के ए का वैल्यू लिख दे तो वहां क्या खोजिएगा, तो जिसका पी के ए सबसे लो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर के ए का वैल्यू लिखा हुआ रहे तो वहां देखिएगा जिसका के ए वैल्यू सबसे हाई है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है, तो ये ध्यान देना है, इसलिए इस एग्जाम्पल की चर्चा यहाँ पे की है। तो ध्यान देंगे, इट इज noted that higher is the value of KA, lower is the value of PKA. Value of PKA, stronger is the acid. Stronger is the acid. ये कॉन्सेप्ट अब दिमाग में रखना है कंबाइंडली, कि जिसका के वैल्यू हायर हो पी के वैल्यू लोअर हो वो एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो के ए के साथ साथ पी के ए को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी के नहीं लिखता है, पी के लिख देता है। तो फिर अब आपको पी के ए के बारे में भी जानना वहां जरूरी होगा कि पी के ए का वैल्यू हाई हो या लो हो स्ट्रॉन्ग के लिए। तो स्ट्रॉन्ग के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो फिर वहाँ पे पी के ए का वैल्यू लो है और के ए का वैल्यू हाई। इसी तरह बेस के लिए भी कह सकते हैं, सिमिलरली हायर इज द वैल्यू ऑफ के बी, lower is the value of PKB, stronger is the base, है ना। और इसी को उल्टा कर दें तो weak के लिए बात हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं यहां पे and vice versa, मतलब इसी का उल्टा वीक के लिए बोलेंगे, लोअर इज द वैल्यू ऑफ के ए, हायर इज द वैल्यू ऑफ पी के ए,
वीकर इज द एसिड, क्लियर। फिर सिमिलरली हायर लोअर इज द वैल्यू ऑफ के बी, हायर इज द वैल्यू ऑफ पी के बी, वीकर इज द बेस। इस तरह से आपको मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार एसिड और बेस के बारे में जानना है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये एसिड और बेस की बात कर रहे थे आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से। अब देखिए यहाँ पे 1923 में, 1887 के बाद एसिड और बेस के बारे में जो कॉन्सेप्ट आया वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट आया, जो 1923 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था आपको। इसमें क्या कहा गया वो देखिए। तो यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट ये 1923 में दिया गया। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार इसमें भी कंप्लीटनेस नहीं था स्टेटमेंट में, यानी आप हर एसिड को जज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से ऐसा नहीं, हर बेस को आप जज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से ऐसा नहीं था, इसमें भी कुछ कमी रह गया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ब्रॉड है आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से, तो सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ हम लोगों को लेकर चलना है, हर कॉन्सेप्ट को कंसीडर करना है, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट भी, ब्रॉन्स्टेड का भी, लेविस का भी, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों को एक साथ कंसीडर करना होगा किसी एसिड और बेस को जज करने के लिए कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो यहाँ देखें ब्रॉन्स्टेड क्या कहा, इनका कहना था कि एसिड वो है जो प्रोटॉन दे सकता हो सॉल्वेंट में, यहाँ वाटर डिफाइंड नहीं था, सॉल्वेंट के रूप में यहाँ वाटर डिफाइंड नहीं था, ये पर्टिकुलरली वाटर को डिफाइन नहीं किए, किसी भी सॉल्वेंट में ऐसा कंपाउंड जो प्रोटॉन डोनेट कर पाए उसको एसिड कहेंगे। इसका मतलब अब यहां पर एक क्वेश्चन, एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जो कंपाउंड वाटर में, यानी वाटर यहां सॉल्वेंट है, वाटर में एसिड का काम कर सकता है, हो सकता है वो कंपाउंड किसी अदर सॉल्वेंट में बेस का काम करे, यानी एक ही कंपाउंड को हम एक सॉल्वेंट में एसिड कह सकते हैं और सॉल्वेंट जैसे ही बदला तो हो सकता है कि वो कंपाउंड बेस हो जाए, बेस का नेचर भी वो शो कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट यहां आया ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट के अनुसार, ये यहाँ पे बात निकल कर आती है। अब यहां देखें हम लोग इस कॉन्सेप्ट में कहा गया कि एसिड्स आर दोज विच कैन डोनेट प्रोटॉन इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहां पर कोई पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है, ये सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, अगर वाटर है तो वो भी, और वाटर के अलावे कोई है तो वो भी, ये ध्यान देना है कि एसिड्स आर दोज विच कैन डोनेट प्रोटॉन इन सॉल्वेंट एंड बेसिस आर दोज विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को क्या कर सकता हो, एक्सेप्ट कर सकता हो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस, और जो प्रोटॉन दे सके उसको एसिड। एक चीज यहां पे सिमिलर दिखता है, ये क्या सिमिलर दिखता है, तो जो लेविस का कॉन्सेप्ट है
बेस के बारे में, लगभग वही कॉन्सेप्ट बेस के बारे में ब्रॉन्ज स्टेट का है, सेम कॉन्सेप्ट। क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला वही कंपाउंड होगा जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। जिस कंपाउंड में सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं होगा वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर हम कहते हैं CH4 तो क्या ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि CH4 में कार्बन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है और चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है H के साथ, एक भी नॉन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन पर मौजूद नहीं। उसी जगह अगर हम कहते हैं NH3 तो NH3 लेविस के अनुसार भी बेस है और ब्रॉन्स्टेड के अनुसार भी बेस है, क्योंकि NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि NH3 के N पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो इस तरह से यहां पे एसिड्स आर दोज विच कैन डोनेट प्रोटॉन एंड इन सॉल्वेंट यहां डिफाइंड नहीं है, एंड बेसेस आर दोज विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है? इस तरह से अब यहां पे बात आती है ये कि एसिड और बेस ये जब आपस में रिएक्शन करेगा तो एक प्रोटॉन डोनेट करेगा और दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन करेगा, कंजुगेट बेस, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो कंजुगेट एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो एक चीज यहां पर ध्यान देना है कि एसिड जो है ब्रॉन्स्टेड के अनुसार, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के अनुसार एसिड कंजुगेट बेस फॉर्म करता है, सीबी मतलब कंजुगेट बेस और प्लस में एच प्लस देता है, प्रोटॉन लॉस कर दिया, प्रोटॉन को लॉस कर दिया। और बेस जो है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद कंजुगेट एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, दो रिएक्शन हुआ, बेस का कैरेक्टर प्रोटॉन डोनेट करना, एसिड का कैरेक्टर प्रोटॉन डोनेट करना और बेस का कैरेक्टर प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। एसिड जब प्रोटॉन को डोनेट कर दिया तो कंजुगेट बेस बना दिया, और बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो कंजुगेट एसिड बना दिया। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो एसिड प्लस बेस, प्रोटॉन अपोजिट साइड है तो कैंसिल, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया कंजुगेट बेस और प्लस कंजुगेट एसिड। देखिए एसिड क्या देता है, तो एसिड कंजुगेट बेस देता है, और बेस क्या देता है, तो बेस कंजुगेट एसिड देता है। इसलिए एक सवाल, एक क्वेश्चन आपसे रहता है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बताओ। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर ये अगर हमको बताना हो, कंजुगेट एसिड बेस पेयर अगर हमको बताना हो तो एसिड का कंजुगेट बेस ये है, तो यहां लिखेंगे एसिड और कंजुगेट बेस और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एंड इसका पेयर कौन है, ये क्या दिया है, कंजुगेट बेस एसिड दिया है, तो यहां लिखेंगे फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेस कंजुगेट एसिड। क्लियर है? इसको कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड का कंजुगेट बेस जो होगा उसको एक साथ लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, और फिर बेस का जो कंजुगेट एसिड होगा, क्योंकि बेस क्या देता है, कंजुगेट एसिड, एसिड क्या देता है, कंजुगेट बेस, ये प्रोटोन लॉस करके ये प्रोटोन एक्सेप्ट करके। क्लियर है?
ब्रॉन्स्टेड के अनुसार एसिड और बेस जब रिएक्शन करेगा तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर देगा। अब यहां देखते हैं हम लोग एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कुछ एग्जांपल के साथ। जैसे अगर हम कहते हैं यहां पे कि सॉल्वेंट डिफाइंड नहीं है तो ये भी चीज स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सॉल्वेंट में जो कंपाउंड एसिड का काम करेगा वो किसी अदर सॉल्वेंट में हो सकता है कि वो बेस हो जाए। तो मतलब यहां पे लिखेंगे सेंस सॉल्वेंट इज नॉट डिफाइंड सो इट कैन बी possible that a compound which is acid in water may be base in other solvent। clear है? क्या लिखा गया? चूंकि सॉल्वेंट जो है यहां डिफाइंड नहीं है, सॉल्वेंट इज नॉट डिफाइंड, इस कॉन्सेप्ट में सॉल्वेंट डिफाइंड नहीं, फिक्स नहीं कि हमको सॉल्वेंट यही लेना है, जैसे आरएनएस में वाटर डेफिनेट था, यहां नहीं है। सिंस सॉल्वेंट इज नॉट डिफाइंड सो इट कैन बी पॉसिबल दैट ए कंपाउंड विच इज एसिड इन वाटर मे बी बेस इन अदर सॉल्वेंट, दूसरे सॉल्वेंट में हो सकता है कि क्या हो जाए, वो बेस हो जाए। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, अगर CH3COOH एसिटिक एसिड है, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये जब टूटेगा तो टूटने पे CH3COO- एक्वस और प्लस H3O+ एक्वस दे देगा। स्पष्ट है? इस तरह से ये टूटेगा। तो देखिए क्या काम किया ये वाटर में, एसिड का काम किया क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट किया, तो प्रोटॉन डोनेट किया इसलिए एसिड है। और वाटर को ऐसे भी हम लोग लेवलिंग सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर को क्या कहते हैं? लेवलिंग सॉल्वेंट। लेवलिंग का मतलब क्या होता है? जो हर एक कंपाउंड्स को एक ही स्तर पे, एक ही पैमाने पे मेजर करता हो। किसी भी कंपाउंड को डाल देंगे आप तो वो अलग अलग कंपाउंड के साथ वाटर अलग अलग नेचर नहीं शो करेगा। वाटर हर एक कंपाउंड के साथ अपनी सेम नेचर और सेम इफिशियंसी के साथ पार्टिसिपेशन शो करेगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग साल्ट डाल देते हैं उसमें हार्ड साल्ट, और अगर नॉर्मल साल्ट डाल देते हैं, नॉर्मल साल्ट को डिसॉल्व कर लेता, अगर वाटर का सॉल्विंग नेचर चेंज होता तो फिर हार्ड साल्ट के साथ उसका नेचर बदलता और हार्ड साल्ट को भी घुला लेता। लेकिन हार्ड साल्ट का नेचर, उसका अपना नेचर हार्डनेस है, उसकी लैटिस पॉइंट लैटिस एनर्जी हाई है, इसलिए वाटर के साथ वो नहीं घुला, क्योंकि वहां वाटर उतनी ही एनर्जी अप्लाई किया उस साल्ट के साथ भी जितनी एनर्जी वो नॉर्मल साल्ट के साथ अप्लाई किया था, इसलिए वाटर के नेचर में कोई अंतर नहीं आता है। वाटर के नेचर में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आता, उसमें आप जिस भी सॉल्यूट को डालेंगे हर एक के साथ उसका व्यवहार एक ही रहेगा, एक ही तरह का नेचर रहेगा उसका, एक ही कैरेक्टर शो करेगा। इसलिए वाटर को कहा जाता है लेवलिंग सॉल्वेंट। वाटर एक लेवलिंग सॉल्वेंट है। दूसरी बात, इसकी न्यूट्रलिटी भी इसके लेवलिंग सॉल्वेंट को बताता है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसके H प्लस और OH माइनस कंसंट्रेशन का वैल्यू बराबर होता है, क्योंकि इसमें वन इक्विवेलेंट H प्लस और वन इक्विवेलेंट OH माइनस मिलकर इसको न्यूट्रलाइज किए हुए हैं, क्योंकि इसके pH का वैल्यू 7 है,
तो ऐसी स्थिति में H2O न्यूट्रल सॉल्वेंट है, इसलिए भी लेवलिंग सॉल्वेंट कहलाता है। तो H2O ये एक लेवलिंग सॉल्वेंट है। इसका कैरेक्टर, इसका नेचर हर एक सॉल्यूट के साथ एक तरह का होता है। तो यहां पे एसिटिक एसिड को वाटर में डाले, ये टूट करके ये दे दिया। अगर हम एसिटिक एसिड को HCl में डाल देते हैं, सॉल्वेंट चेंज हो गया। यहां सॉल्वेंट क्या हो गया? चेंज हो गया, HCl हो गया, वाटर बदल गया, वाटर हटा दिए, उसके जगह किसी दूसरे को रख दिए। ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, और ये एग्जाम्पल सेकेंड आप देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां पे अगर आप देखें तो ये H प्लस डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा। अब यहां पर एक सवाल खड़ा हो गया कि क्यों, ऐसा क्यों, यही क्यों H प्लस डोनेट किया, ये क्यों नहीं डोनेट किया? तो यहां पर अब डिपेंड करता है इस बात पे कि वो एसिड यानी वो कंपाउंड प्रोटॉन डोनेट करेगा जो स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। अब हम ये कैसे समझे कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है? तो अभी हमारे पास उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। इसको जानने के लिए थोड़ा और आगे हमको बढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तब हम ये जान पाएंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक है। अभी अगर हम आपको शॉर्टकट में बता दें तो ये चीज कहेंगे कि ये इनऑर्गेनिक एसिड है और ये ऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड, इसलिए इनऑर्गेनिक एसिड जो है ये इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम थोड़ा बहुत हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को याद रखे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का हमारे पास अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, अगर हम पीछे क्लास जितना भी हुआ उसको नहीं भूले हैं, याद है, तो हम एक बात और यहाँ जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट के साथ एच आएगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। पेरियोडिक टेबल में हेलोजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और हेलोजन के साथ एच आया है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, क्योंकि यहां कार्बन का कंपाउंड है। समझ रहे हैं बात को? यहां पर कार्बन का कंपाउंड है तो ये वीक एसिड तो है ही, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इसलिए कि ये इनऑर्गेनिक है और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हेलोजन के साथ, इसको हाइड्रा एसिड कहते हैं। और फिर पेरियोडिक कॉन्सेप्ट की बात हम लोग अगर जानते हैं तो कहा गया कि लेफ्ट टू राइट पेरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटने से एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। ये सब बात हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार भूल गए हो वो अलग बात है, फिर से हम लोग आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में आगे हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, तो फिर हम वहां आगे चर्चा करेंगे कि कैसे ये स्ट्रॉन्ग कैसे ये वीक। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। अभी हम लोग शॉर्टली इसको जान सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। तो जो स्ट्रॉन्ग है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, इसलिए ये प्रोटॉन डोनेट किया, ये एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया इसलिए यहाँ एच टू प्लस हो गया और ये सीएल माइनस हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये एसिड था वाटर में, यहां तो ये एसिड का काम किया था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, यहां पे ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है इसके लिए, तो ये प्रोटॉन डोनेट कर दिया, इसमें डोनेट कर दिया चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है इसलिए ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो ब्रॉनस्टेड के अनुसार ये यहाँ कैसा काम किया, तो ये काम किया यहाँ बेस का जो कि वाटर में एसिड था, और ये काम किया यहाँ एसिड का। क्लियर है? और इस बेस का कंजुगेट एसिड ये बना, इस एसिड का कंजुगेट बेस ये बना, इस एसिड का कंजुगेट बेस ये है, और इस
बेस का, क्योंकि ये वो H प्लस को रिसीव किया है, इसलिए यहाँ वाटर बेस का काम कर रहा है। तो H प्लस को रिसीव करने के बाद इसका कंजुगेट एसिड ये बना। इसलिए आज के लिए हम लास्ट पॉइंट लिख दें, अगले क्लास में और आगे हम आपसे बात करेंगे कि एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकेंड में, एग्जाम्पल फर्स्ट में अगर कहा जाए इसमें कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर है ना, ये अगर कहा जाए तो ऐसे स्थिति में क्या कहेंगे, CH3COOH, इसका कंजुगेट बेस कौन है, तो CH3COO- ये लिखेंगे, एंड H2O इसका कंजुगेट एसिड कौन है, H3O+। इस तरह से एग्जाम्पल सेकेंड के लिए भी आप कह देंगे CH3COOH इसका कंजुगेट एसिड कौन है, तो CH3COOH2+ ये कहेंगे, एंड इसके लिए HCl, एंड इसके साथ क्या है कंजुगेट बेस इसका, Cl-। इस तरह से इसको लिखना है। तो आज यहीं तक रहने दें, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और हम लोग चर्चा करेंगे एसिड बेस के बारे में। आज इतना ही।